ओके, आज हमारा टॉपिक है ज़ेर का इस्तेमाल। ज़ेर में हम जो भी वर्ड पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसमें जैसे इसकी आवाज कैसी आएगी, अलिफ सीन नीचे ज़ेर है तो इस, अलिफ नून इन, ज़ेर है ना बेटा, गाफ नून गिन, तेला तिल, स्वाद दान सिद, सीन नाम सिल, ज़ेर है बेटा, कल हमने जबर का किया था, आज हमने ज़ेर का करना है। सीन नाम दाल नून दिन, जीन नून जिन, काफ सीन किस, दोबारा से पढ़ेंगे, अलिफ सीन इस, अलिफ नून इन, गाफ नून गिन, ते नाम दिल, स्वाद ना दाल जिद, सीन नाम सिल, दाल नून दिन, जीन नून जिन, काफ सीन किस। अभी क्या लिखा है, अलिफ नून इन से मीम लाम मिल, इन से मिल, दिन भर काम करो। अब दाल के नीचे ज़ेर है इसलिए दिन बोले, अगर दाल के ऊपर जबर होता तो इस वर्ड को हम दन बोलते, लेकिन दाल के नीचे ज़ेर है इसका मतलब इसको दिन की साउंड की आएगी, दाल को दिन, दिन भर काम करो, बारिश। अब यहाँ पे रे के नीचे शीन जबर है तो रे और शीन को जब हम जोड़ के पढ़ेंगे तो रिश बोलेंगे, क्योंकि रे के नीचे ज़ेर है। बारिश आई, बारिश आई, सर्दी लाई, सर्दी लाई, बारिश आई, बारिश आई, सर्दी लाई, सर्दी लाई। स्टार्ट से फिर एक दफा रिपीट करें, दोबारा से हम रिपीट करेंगे। ज़ेर का इस्तेमाल, स्वाद दाल जिद, सीन लाम सिल, दाल नून दिन, जीन नून जिन, काफ सीन किस, इन से मिल, दिन भर किताब दो।